हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। दोस्तों ये वीडियो मैं अपनी हैंडसेट से बना रहा हूँ, तो क्योंकि मैं आज आपको एक मोबाइल के बारे में बताना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपने हैंडसेट से बनानी शुरू की है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपको उस मोबाइल के बारे में बताना चाहता हूँ। वो मोबाइल अभी राइट नाउ लॉन्च हुआ है, तो मैं चाहता था कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप सबको बताऊं कि वो मोबाइल मुझे कैसे लगा। वो मोबाइल को यूज़ करते करते मुझे एक मंथ हो गया है, तो मंथ के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस मोबाइल के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये कैसा मोबाइल है और इस टाइम ये कैसा चल रहा है। मुझे एक मंथ हो गया इसे यूज़ करते करते, तो मैं चाहता था कि इसके ऊपर मैं एक या दो वीडियो बनाऊं और आपको अच्छी तरीके से समझाऊं कि ये मोबाइल कैसा है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आप सबसे बोलता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आपके क्लिक करना है और इसके बाद एक बेल आइकन का बटन आता है, उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन के लिए आपको ये बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के बारे में बताना चाह रहा था, तो मोबाइल है वो Realme Pro 3 है। ये मोबाइल Realme Pro 3, तो मोबाइल काफ़ी अच्छा है, मैंने यूज़ किया, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसे, तो मुझे लगा कि इस मोबाइल के बारे में आप सबको बताना चाहिए क्योंकि मोबाइल अच्छा है काफ़ी और काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो पहले तो मैं आपको मोबाइल पे थोड़ा दिखा देता हूँ। फ्रेंड, जब भी मोबाइल आता है वो इस तरह आता है आपके पास, तो ये इसका कार्ड है कवर, तो आप इसे जब हटाते हैं, अब मैं इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए ये मोबाइल मेरा बीच में पड़ा हुआ है, तो ये वो मोबाइल है। फ्रेंड, इसके साथ आपको एक तो ये कवर मिलेगा, बाकी ये चिट वगैरह तो होती है जो मोबाइल के बारे में डिटेल होती है कि मोबाइल क्या है, कैसे वर्क करता है, गाइडलाइंस वगैरह, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो नहीं तो नेट के ऊपर आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है मेरे हिसाब से, तो आप नेट पे ही देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बोरिंग सा लगता है मुझे तो पढ़ना, तो मैं तो पढ़ता नहीं हूँ। साथ ही साथ ये बैक कवर आपको मिलता है, ये येलो कलर का मुझे मिला हुआ है, तो ये बैक में आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको एक पावर चार्जर, तो चार्जिंग के मामले में कैसा है ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि चार्जिंग के मामले कैसा है। और ये एक डाटा केबल और आपका एक चार्जर मिलता है इसके साथ, और साथ ही साथ आपको इसमें सिम लगा यूज़ करने के लिए एक पिन मिलता है जिसके साथ आप सिम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बैक कवर भी आपको इसी बॉक्स में मिलेगा, साथ ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं मोबाइल के ऊपर, मोबाइल कैसा है, काम कैसा करता है और फंक्शनैलिटी वर्क क्या है। फ्रेंड, मुझे इस मोबाइल को यूज़ करते करते एक महीना हो गया है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी चार्जिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। फ्रेंड, इसका जो चार्जर है काफ़ी अच्छा है, आप मान नहीं सकते, ये आधे घंटे में पूरा का पूरा फ़ोन मेरा चार्ज कर देता है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर मैं खुद इसे चार्ज करता हूँ। मॉर्निंग मैं 9 o'clock लगाता हूँ और 9:30 मैं इसे हटा देता हूँ, और जब भी मैं देखता हूँ मेरी चार्जिंग लेवल जो होता है मोबाइल का यहाँ पे आता है ऊपर, तो काफ़ी अच्छा है, फुल आता है, पूरा फुल। तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये है इसका चार्जर कि ये चार्जिंग भी बहुत फास्ट है और मोबाइल चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस मोबाइल के अंदर कि चार्जिंग कंपनी ने बहुत अच्छी भी बोली है और चार्जिंग के ऊपर ये बहुत अच्छा बेस्ट गया है। तो अभी हम मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं, मोबाइल काफ़ी अच्छा है, मोबाइल आप देख सकते हैं मोबाइल के बारे में। तो अभी मोबाइल की फंक्शनैलिटी के बारे में, रैम के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड, मेरे इस फ़ोन की जो रैम है, मैं आपको रैम चेक करवा देता हूँ। आप यहाँ पे आके अबाउट आप फ़ोन पे जाइएगा, अब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि फ़ोन की रैम है 4, ये एक्सटेंडेड टोटल 64 GB तक है, आप 64 GB का वर्जन है मेरा, ये आप 64 GB तक भर सकते हैं, बाकी आप इसके साथ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 2 SIM लगते हैं इसके अंदर, मैक्रो सिम लगते हैं, तो मैक्रो सिम आप यूज़ करें। इसमें एक फायदा है, आप अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो में आपको ये नहीं करना पड़ता ये पहला नंबर दूसरा नंबर, आप किसी भी लगाइए, इसमें दोनों नंबरों पे ये 4G चल रहा है, तो आप दोनों नंबरों पे 4G यूज़ कर सकते हैं। राइट नाउ मेरा जो मोबाइल मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, ये मेरा लैपटॉप है जिस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो मेरे लैपटॉप की अभी वाईफाई की स्पीड है, जो वाईफाई के साथ ये कनेक्ट है, आप देख रहे होंगे ऊपर ब्लू सी लाइन आ रही है बाबा,
तो वो स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। देखिए जैसे ब्लू सी लैन आ रही है, हॉटस्पॉट कनेक्टेड बोर्ड है वो बाबा, तो वो भी स्पीड काफ़ी अच्छी है। और बाकी वर्किंग में बात की जाए तो मोबाइल की वर्किंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, काफ़ी एप्लीकेशन है जो कि मैं डाउनलोड की रखी हैं। मैं काफ़ी एप्लीकेशन में डाउनलोड करके देख रहा था कि ये कहीं हैंग तो नहीं होता। मैंने पबजी भी डाउनलोड कर रखी है, मैंने कैश एंड क्लेन भी डाउनलोड कर रखी है, हाई वर्जन डाउनलोड किए हुए हैं, पूरे ग्राफिक कार्ड डाले हुए हैं, तब भी मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल में जब अगर मैं इसे रेटिंग दूँ 5 में से, तो 5 हाफ एंड 4 की रेटिंग में दे सकता हूँ इसे, क्योंकि इसकी जो फंक्शनैलिटी वर्क है बहुत अच्छा लगा मुझे। स्पीड बहुत अच्छी है, नेट बहुत अच्छा चल रहा है इसके अंदर। बाकी बात की जाए इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में या फिर क्वालिटी फॉर आप पिक्चर के बारे में, तो फ्रेंड मैं इसके अंदर अगर आप फोटो वगैरह खींचते हैं, जैसे कि मैं अभी मोबाइल के अंदर मोबाइल से ही आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि फ़ोटो की क्लैरिटी क्या आ रही है। ये एक इसमें सिर्फ ये की प्रॉब्लम है इसकी, क्योंकि 3 वर्जन दिए हुए हैं आपको, वीडियो फोटो और एक है। इस 3 वर्जनों का चक्कर ये है कि अगर आप दूसरे मोबाइल यूज़ करते हैं रेडमी वगैरह के, तो उसमें और इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि इसमें जो कि फ़ोटो के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। फ्रंट कैमरा इसका अच्छा है, बैक कैमरा बहुत अच्छा है। तो फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा चलता है इसका, वो बैक कैमरा भी बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है राइट नाउ। अभी तो मैं 1 मंथ से इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो 1 मंथ से मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर देखी हैं कि ये जो अपडेशन आती हैं इसकी, वो भी काफ़ी बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी अपडेशन होती है जो कि सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग होती है, जो आपको करनी होती है। ऐप अपडेशन आपको तभी ये बोलेगा जब ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो रही हो। अगर आप कोई गेम चला रहे हो, जैसे कि ये गेम के लिए बना हुआ है एक सॉफ्टवेयर है, जब भी आप गेम चलाते हो ये आपको बता देता है कि आपके जो गेम स्पेस है वो कितना है और आपकी गेम कैसे वर्क कर रही है, और वो उसके लिए अलग से एक इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें से, कि आप गेमिंग के शौकीन हैं तो गेमिंग के लिए अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है आपको। और साथ ही साथ लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है, वो सॉलिड फोन है, और ये बात है कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा लंबा है, बट दूसरे फ़ोनों के मुकाबले अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ, तो इसमें मैं अगर मैं वीडियो की बात करूँ, अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ, तो ये 5 इन 4 पे आता है, क्योंकि इसकी जो फ़ोटो की क्लैरिटी है वो तो अच्छी है, पर इन्होंने फ़ोटो के अंदर काफ़ी चीज़ें दी नहीं हुई हैं कि हम कैसी कैसी फ़ोटो को आप, अगर आप रेडमी यूज़ कर रहे हैं, आप अगर सोनी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं, वो आपको अलग अलग तरीके से 360 एंगल, ये एंगल, वो एंगल प्रोवाइड करते हैं, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं प्रोवाइड किया हुआ। उसमें मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इन्होंने वो चीज़ क्यों नहीं दी हुई। हाँ, अगर आप बैटरी के बात करें तो बैटरी के मामले में ये रेडमी से भी आगे है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस फ़ोन के अंदर, कि इसकी बैटरी पैकअप बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड अगली वीडियो में मैं आपको फ़ोन के बारे में और डिटेल दूंगा, और ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं मैं फ़ोनों के ऊपर और डिटेल से वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट करें, IT Sport Hindi का फेसबुक पेज है, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक जरूर होगा। और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।